खुला बताओ मैं कैसा लगा? बहुत ब्लैक हो। ए, ब्लैक हो तो क्या हुआ? हाँ, ब्लैक चीप होता है क्या? ब्लैक मनी पसंद है, ब्लैक मैन पसंद है तुम्हें? हाँ, सॉरी। कंट्रोल राजेश, कंट्रोल। चलो छोड़ो, खुल के बात करो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। ऑर्डर सर। हाँ, तुम्हें क्या चाहिए खुल के बोलो। वन चॉकलेट आइसक्रीम। चॉकलेट खाओगी? बच्ची हो क्या, दांत खराब हो जाएंगे, कुछ और मंगाओ। ऑर्डर कैंसिल। वन चॉकलेट आइसक्रीम, टू स्पून्स। ओके सर। मेरे बारे में जानती नहीं हो क्या? वो लड़की तेरे राइट में है। आपको ही? ये यहाँ? आई एम गौतम, मैं इसका बॉयफ्रेंड। इसके घर वालों को मैं पसंद नहीं हूँ, और अगर पसंद ही नहीं हो तो वो लव क्या है ब्रो? मैं भी तेरी तरह बिल्कुल खुला खुला रहता हूँ। वैसे इससे शादी करने वाला तू ही है ना? कांग्रेट्स। मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ बोलना मत, वो बहुत ही अच्छी है ब्रो। एक बार मुझे फीवर आया था तो 5 डेज मेरे घर में मेरे साथ ही थी, पता है? 5 दिन रही थी खुल्लम खुल्ला घर में, बार बार आने जाने का मैट्रिक क्लोज कर दिया। टूर के बारे में बताता हूँ, इसे गोवा बहुत पसंद है। 3 महीने में एक बार भी ना लेकर जाओ तो ये रूठ जाती है। ये सब मेरा प्लान है, तुम टेंशन मत लो, शादी होने के बाद तीनों मिलकर प्लान बनाएंगे। तीनों मिलके? यस। तुम ऐसे दिखाओ जैसे तुम इसके हस्बैंड हो, खुल्लम खुल्ला, और मैं इसका बॉयफ्रेंड बनकर रहूंगा खुल्लम खुल्ला। ए छी छी छी, इतनी गंदी बात तो आज तक किसी ने सोची नहीं होगी, तो एक बार सोच लो ना। ए छी, सुन के ही उल्टी आ रही है। अरे खुल के बोलने के लिए कहा तो इतना खुल गई, मैं जा रहा हूँ। ब्रो ब्रो ब्रो, अरे एक बार सोचो तो सही। चुप रह। थैंक यू, यू हेल्प मी अ लॉट, इट्स ओके। वैसे मेरी प्रॉब्लम तुम्हें कैसे पता? थोड़ी देर पहले तुम्हें फोन पे बात करते हुए सुना। ओह ओके ओके, तुम यहाँ कैसे? आपने तो कहा था ना कि कोई अच्छी लड़की देखकर मैं उसे प्यार करूँ, तो कोई मिल जाएगी सोचकर मैं यहाँ पे आ गया। अबे लड़की उठ गई बे। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे उससे बचा लिया। By the way, I'm Netra. अबे हाथ मिला रही है तुझसे। गुड मॉर्निंग वैजाग, अगर आपको चोट लगी है तो डॉक्टर से कंसल्ट करो, अगर प्यार में चोट लगी है तो इस लव डॉक्टर से कंसल्ट करो। अभी आपके लिए लवली सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ, एंजॉय। ए, खुद की तो ट्यूबलाइट बंद है और दूसरों के मामले में उंगली करता है ये। हेलो नेत्रा। हा? मैं किशोर बोल रहा हूँ, गौतम प्रोग्राम में है। थोड़ा अर्जेंट है, क्या जल्दी से बीच के पास आओगे? ठीक है, आते हैं, बाय। कौन है बे? गर्लफ्रेंड थी? हाँ बे। ए, इस अफ्रीकन फेस की भी गर्लफ्रेंड हो सकती है क्या? मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, गौतम की गर्लफ्रेंड। ए, ये तो 8वां अजूबा हो गया। अरे तुझसे तो एक बार लड़की पट भी जाए, मगर इसने कैसे पटाई? अबे चुप ना, उस लड़की को भी गौतम में बहुत इंटरेस्ट है। आज के लड़कियों को क्या हो गया, लंगूर के हाथ में ही अंगूर क्यों आ जाता है? मुझ में ऐसी क्या कमी है कि मुझसे लड़की नहीं पटती? क्यों बे सुदर्शन, किस पर चल रहा है तू? हाँ इसका तो काम ही आई है। अरे नेत्रा ने फोन किया था। क्या बोली? हम दोनों को अभी बीच पर बुलाया है। अरे तो चलो फिर। हाँ तुम यही रुको, मैं ये प्रोग्राम की लिस्ट देकर आता हूँ। हाँ जल्दी आ जाना। हाँ आता हूँ। वाटर सर। अरे सॉरी यार, गीला हो गया क्या? अरे वो पानी नहीं था, गरम कॉफी थी। अरे तो वो भी तो पानी है, सूख जाएगा। कैसे पता चला इसे? ओके थैंक यू। हाय हाय हाय, क्या बात है, अचानक बुला लिया ऐसे? पहले बताया होता तो प्रिपरेशन करके आते ना। प्रिपरेशन? तो ऑफिस से लीव लेकर आ जाता ना। हाँ वैसे यहाँ पर क्यों बुलाया? हमारे हॉस्पिटल ने आई डोनेशन कैंप लगाया है। ओह वेरी नाइस। पर यहाँ कोई भी आई डोनेशन के लिए आगे नहीं आ रहा। पहला नाम आपका लिखूंगी तो लोग इंस्पायर होकर आएंगे, इसीलिए बुलाया है तुम्हें। इसमें कौन सी बड़ी बात है, दे देंगे ना। बेटा आंखें देने को बोल रही है। आंखें दे देंगे ना, दे देंगे, आंखें जरूर दे देंगे। अबे आइसक्रीम नहीं है तो दे देगा, आंखें है तेरी। आज नहीं तो कल आ जाएंगी ना, जाते वक्त उसे रखकर क्या करेगा, वापस लौटा देंगे तो हिसाब बराबर। चल तेरा नाम भी लिखा दे। थैंक यू, साइन करो। अब पहले तू कर। ओके। ये पेन। थैंक यू सो मच। देखा आपने कितना आसान है ये डोनेशन, अब तो आप लोग आगे आइए आई डोनेशन के लिए, कुछ नहीं होगा। अरे कैसे नहीं होगा, चाहिए तो 1000-2000 डोनेशन ले लो, आंखें कौन दान करेगा? कौन बोल रहा है ऐसा? जिसकी आंखें नहीं है वो अंधा नहीं है, बल्कि तुम लोग अंधे हो जो आंखें रहकर भी इस तरह सोचते हो। हर कोई हम क्यों दें ऐसा ही सोचते हैं, इसलिए आज का जमाना ऐसा है। नहीं तो अंधे लोग कब की दुनिया देख चुके होते हैं।
मरने के बाद जो मिट्टी में मिल जाएगा उससे इतना प्यार किस लिए? एक अंधा पैदा होता है तो उसे हम नहीं रोक सकते, लेकिन वो अंधा ना रहे ये तो हम कर सकते हैं। याद रखना इस बात को। वाओ, आंखों के बारे में क्या अच्छी बात कही, वो तो प्यार में पड़ गई होगी। मतलब सर, पेशेंट को अंदर भेज दूं क्या? मत भेजना, किसी को भी मत भेजना, सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल। ओके सर। ए गीता, सर तुम भी मत आना। ओके सर। इंटरेस्टिंग, कंटिन्यू करें। ए लोकेशन कॉफी शॉप है। कॉफी शॉप में क्यों लाया है मुझे? सरप्राइज, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आती हूँ। ओके, आई बी बैक। सरप्राइज। ए राइट में जा, राइट में जा। क्यों, लेफ्ट में नहीं बैठना है क्या? क्यों नहीं, वो लड़की मान जाती है तो उसकी गोद में बैठ जाना। अच्छा। हाय, गुड मॉर्निंग मैम, जैसे कहा वैसे ही डिजाइन किया। वाओ सुपर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, दिस इज फॉर यू। कॉफी तो बाद में पी लूंगा, पहले सरप्राइज क्या है वो बताओ ना। वो क्या है वो ये कॉफी ही बताएगी। कॉफी बताएगी? कॉफी बताएगी मतलब? मुझे क्या पता, मैं तो वहां से बहुत दूर खड़ा हूँ बे। ये क्या, इसने तो कुछ देखा भी नहीं। छी, वेस्ट कॉफी। वेस्ट है? वर्स्ट। वर्स्ट है? पूरा झाग ही है। ये क्या हो रहा है? मतलब पसंद नहीं आया? बिल्कुल नहीं। तुम्हें मेरा सरप्राइज पसंद नहीं है ना, मैं जा रही हूँ। गुड बाय। गुड बाय? अरे कहाँ जा रही हूँ? नेत्रा, नेत्रा। अबे क्या किया वो लड़की, बिना बिल भरे जा रही है। मैंने कुछ नहीं किया, बस कॉफी पसंद नहीं है ऐसा बोला। आपने क्या किया सर? मैडम आपके लिए प्लेट में आई लव यू लिखकर लाई थी। हाँ? और आप वही कॉफी शक्कर डालकर पी गए। कॉफी पर आई लव यू लिखा था? अरे डायरेक्ट मुंह से बोलना चाहिए था ना, ये सब करने की क्या जरूरत थी? भगवान ने इतनी बड़ी बड़ी आंखें दी है, नीचे देख नहीं सकते आप? अबे इसे सच्चाई बताओ, उसकी ट्यूबलाइट फ्यूज है। नेत्रा, नेत्रा, नेत्रा। सॉरी नेत्रा, मुझे बदलने के लिए किसी अच्छी लड़की से प्यार करने के लिए बोला था ना, वो लड़की तुम ही हो। I love you. Hey, who are you? What is this? मुझे I love you क्यों कह रहे हो? Sorry madam, sorry madam. अबे same perfume है तो नेत्रा ही होगी क्या? Sorry madam, इसे दिखाई नहीं देता है। Oh, it's okay. ये देख नहीं सकता? पहले चश्मा उतारो, तुम ब्लूटूथ निकालो। तुम अंधे थे और मेरे साथ घूम रहे थे, पर मैं तुम्हें नहीं पहचान पाई। मैं कितनी बेवकूफ हूँ। एकदम सही कहा। आखिर डोनेट करोगे तुम? उस दिन इसी की वजह से इतने लोगों ने डोनेट किया। तुम तो चुप ही रहो, तुम्हारी वजह से चीट किया है। ऐसे घूम रहा था जैसे सब कुछ देख सकता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट सिस्टर। जब कोई बड़ा लोकेशन होता था तो हम एक दिन पहले जाकर वहाँ प्रैक्टिस करते थे, और अगर लोकेशन छोटा हो तो ये ब्लूटूथ है ना। ऐसा है, इसका कोच बनकर मैंने बहुत तकलीफ उठाई है। इसे मारने की क्या जरूरत है, मैंने जो भी किया तुम्हारे प्यार के लिए। अब पकड़े गए तो कवर कर रहे हो? नहीं, मैं सच बताने वाला था, लेकिन उससे पहले बस करो, मुझे और बेवकूफ मत बनाओ। मैंने इतना झूठ बोला तो तुमने मान लिया, और सच बोलता हूँ तो मानती नहीं हो। लड़कियाँ ऐसी होती है, दिमाग नहीं होता। गलती तुमने की और ब्लेम मुझ पर कर रहे हो, क्यों? अंधे होकर भी कितना घमंड है तुम्हें। क्या कहा? मैं अंधा तो हूँ, बहुत बार नीचे गिरा हूँ, लेकिन कभी दर्द नहीं हुआ, लेकिन अब बहुत दर्द हो रहा है। चल चलते हैं। मैं बहुत अनलकी हूं यार, अंधा हूं सोचकर माता पिता बचपन में ही मुझे छोड़कर चले गए, दोस्तों को आंखें मिली तो उन्होंने भी मुझे छोड़ दिया, और अब इसने भी मुझे छोड़ दिया। ए, तू इतना दुखी क्यों हो रहा है? तेरे जैसे इंसान को मिस किया दुखी उसे होना चाहिए। मुझे आंखें मिलेंगी ना, या फिर मैं लाइफ लॉन्ग ऐसे ही रहूंगा।